पाकिस्तान के पालतू आतंकियों द्वारा एक बार फिर से कायराना हरकत की गई और तमाम तस्वीरें इस वक्त आप जम्मू से देख रहे हैं और शहीदों को आज नम आंखों से श्रद्धांजलि दी जा रही है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के यहां पर नारे लगाए जा रहे हैं और अमर शहीद जवानों को आज यहां पर नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि दी जा रही है। जिस प्रकार से आप सभी लोग जानते हैं कि राजौरी की अगर बात करें तो चार हमारे जवान जो शहीद हुए हैं उन्हीं सबको लेकर आज जम्मू में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। ट्रेड फेडरेशन के द्वारा आज उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। तिरंगे झंडे लेकर और हाथों में मिसाले लेकर आज अमर जवानों को यहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। वेयर हाउस जम्मू के आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, लोगों में देखिए गुस्सा बेहद ज्यादा है। आज हम सब यहाँ उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं जिन्हें आतंकवादियों ने पुंछ के सोनकोट के अंदर हमला किया। कायर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमारे वीर जवानों के ऊपर हमला किया जिससे हमारे भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए। आज पूरा देश जो है गम के माहौल के अंदर है, लेकिन हम शहीद परिवारों को कहना चाहते हैं कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। पूरा इस कायराना हरकत से हम सब दुखी हैं। मुझे लगता है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 370 के लिए, इसलिए पाकिस्तान और आतंकवाद जो है बुखला गया है और इस तरह की हरकतें कर रहा है। आज आपके मन से पाकिस्तान को चेतावनी देते हैं कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो उसके हालात और खराब हो गए। और हमें भारतीय जवान के ऊपर पूरा विश्वास है, जिन आतंकवादियों ने भारतीय जवानों को शहीद किया है हमारे भारतीय जवान उनको मौत के घाट उतारेंगे।
हम प्रधानमंत्री मोदी जी से और अमित शाह जी से अपील करेंगे कि गुलाम कश्मीर पे अटैक किया जाए, और प्रधानमंत्री से कहना चाहेंगे कि गुलाम कश्मीर के अंदर आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया जाए। जब तक हम पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाएंगे तो पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। हम देख रहे हैं जिस तरह से कश्मीर के अंदर आतंकवाद में कमी आई है, लेकिन रजौरी पुंछ के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही है, जनवरी के अंदर रजौरी में डांडरी के अंदर 7 लोगों को मारा गया, अप्रैल के अंदर पुंछ के अंदर भारतीय सेना की गाड़ी के ऊपर हमला करके 5 जवान शहीद किए गए, मई के अंदर रजौरी के अंदर 5 जवानों को शहीद किया गया, नवंबर के अंदर 2 हमारे भारतीय कैप्टन और 3 जवान पुंछ के अंदर शहीद किए गए। इससे लगता है कि रजौरी पुंछ के अंदर जो है आतंकवादी घटनाएं जो बढ़ रही है। हमारी माननीय गृह मंत्री से अपील है, गृह मंत्री जी से अपील है, रजौरी पुंछ में सुरक्षा जो है बढ़ाई जाए, और जब तक हम गुलाम कश्मीर पर अटैक नहीं करेंगे तब तक जो है पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। तब तक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसी हरकतें जो है बार बार करे। हमारी फिर प्रधानमंत्री जी से अपील है, जो गुलाम कश्मीर में आतंकवादी ठिकाने हैं उसको ध्वस्त किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर बात की जाए तो लगभग 24 ऐसे आतंकी जिन्हें मार भी गए हैं। मैं समझता हूँ रजौरी के अंदर जिस तरह से आतंकवादी घटना बढ़ रही है, ये साफ संकेत है कि पाकिस्तान नहीं चाहता। 370 का जो फैसला है वो बहुत अच्छा आया है, इसलिए आतंकवादी जो है बुखला गए। रोंगियस की बात करें तो कहने के वो भी जम्मू के लिए खतरा बने हुए हैं। मेरा कहना था, मतलब जो घटनाएं जितने दिन बढ़ रही है उससे हमारे भारत में अशांति का माहौल पैदा हुआ है। हम चाहेंगे कि गुलाम कश्मीर के ऊपर अटैक किया जाए। इस वक्त आप वेयर हाउस जम्मू से देख रहे हैं, और जिस प्रकार से रजौरी की बात करें तो आतंकी हमले में 4 हमारे जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं, उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए आज तिरंगे और मिसाल लेकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।